লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে মহারাষ্ট্র কংগ্রেসত ভাঙন অব্যাহত। মিলিন্দ দেউরা আর বাবু সিদ্দিকির পিছত এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চৱনৰো কংগ্রেস ত্যাগ। সোমবারে পুয়াই তেও কংগ্রেস প্রাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ করে। তার পিছতে মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ করে তুলি দিয়ে বিধায়ক পদর ইস্তফা পত্র। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज एमएलए, उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो। महाराष्ट्र भोकर समष्टिर विधायक आसिल অশোক চৱন। 2008-2010 সনলৈ महाराष्ट्र मुख्यमंत्री हिसाबे कार्यनिर्वाह करिसिल। তেওঁৰ পিতৃ শঙ্কর রাও চৱনো আছিল महाराष्ट्र मुख्यमंत्री। মুখ্যমন্ত্রীর উপরি কংগ্রেসের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদতো আছিল অশোক চৱন। শেহতীয়াক লোকসভার প্রার্থী নির্বাচনক লৈ দলের সৈতে মতান্তর হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিততেই দল ত্যাগের সিদ্ধান্ত ললে অশোক চৱনে। অহা দুই তিন দিনের ভিতর নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সন্দর্ভতো লব সিদ্ধান্ত। कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी दो दिन बाकी है, दो दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। पदत्यागर पिछत অশোক চৱনে दले बोले बीजेपी जोग दिब बोली चर्चा हुछे। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री तथा बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीसे दिसे तेने इंगित। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं, विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। সকলো ঠিকই থাকে আগবাহিলে বিজেপির সমর্থনত মহারাষ্ট্রর পৰা ৰাজ্যসভালৈ যাব অশোক চৱন। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, প্রতিদিন টাইম।